वेलकम टू स्टडी विद चरण। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला था हमारे जो 25 से लेकर 31 मार्च तक करंट अफेयर्स का क्लास बंद था, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 25 और 26 मार्च की करंट अफेयर्स, और जो बाकी करंट अफेयर्स रहा मैं आपको कल या परसों दे दूंगा। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लेकर करंट अफेयर्स देखा करें, नोट करते रहिए और उसको रिवाइज करते रहिए, और आप देखेंगे आने वाले सभी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगी। और वीडियो के एंड में मैंने आपको एक सवाल पूछा यार, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अपने दोस्तों को शेयर कर लिया करो इस वीडियो को। और जो भी बच्चा नया देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, जिससे आप इस तरह की करंट अफेयर्स की वीडियो डेली पा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑन व्हिच डे मैटियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल मैटियर्स डे, इसका मतलब है शहीद दिवस, कब मनाया जाता है पूछा गया है। तो हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है मैटियर्स डे और शहीद दिवस। तो यार ये शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? जो हमारे तीनों वीर हैं देश के, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। तो फांसी क्यों दे दिया गया था? 8 अप्रैल 1919 में असेंबली में ब्लास्ट के वजह से उन लोगों को फांसी दे दिया गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है, ओके। और जब भी इम्पोर्टेंट डे आता है, और तीन चार इम्पोर्टेंट डेट में आपको बोल देता हूँ, 23 मार्च को और क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ये आप नोट करके रख लीजिए, जो कि इस साल का थीम क्या था, द सन द अर्थ एंड द वेदर, ये भी आपको जानना जरूरी है। और 26 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे, ओके। वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 26 मार्च को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस साल का थीम क्या रहा? इट्स टाइम, इट्स टाइम इस साल का थीम रहा। Which country won SAP Women's Championship for 5th time? तो SAP क्या है मैं आपको बता देता हूँ। SAP है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ओके। फिर से बोल रहा हूँ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। तो लगातार पांचवी बार कौन चैंपियन बना है? तो भारत बना है लगातार पांचवी बार। तो वुमेन्स चैंपियनशिप कब शुरू हुआ था? 2010 में ये शुरू किया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इस बार जो SAP वुमेन्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ था? नेपाल में उसको आयोजित किया गया था, ओके। तो फाइनल नेपाल और इंडिया के बीच में चल रहा था, तो भारत ने इस टाइटल को हासिल किया। चलते हैं अगले की तरफ। हु वाज द नेक्स्ट चीफ ऑफ नावल स्टाफ? तो हमारे भारत के आने वाले चीफ नावल स्टाफ कौन बनेंगे? एडमिरल करमबीर सिंह। तो आप लोगों को पता है यार नेवी के रैंकिंग के बारे में, तो नेवी के रैंकिंग कैसे शुरू होता है? पहले तो आते हैं चीफ नेवल स्टाफ, उसके बाद आते हैं एडमिरल, उसके बाद आते हैं वाइस एडमिरल, ओके। उसके बाद आते हैं कमांडोर, उसके बाद आते हैं कैप्टन। इतनी आपको बताना जरूरी है नावल की रैंकिंग के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं हमारे एडमिरल करमबीर सिंह। चलते हैं अगले की तरफ। Which country recently signed an agreement to allowing United States military to use this country port? तो हाल ही में एक हस्ताक्षर हुआ है ओमान और संयुक्त राष्ट्र की सेना के बीच में, तो जिससे क्या फायदा होगा? जो ओमान की पोर्ट है उसको यूनाइटेड स्टेट की आर्मी यूज कर सकते हैं। तो जब भी ओमान आता है, ओमान का कैपिटल क्या है? मस्कट है ओमान का कैपिटल। और करेंसी कौन सा यूज किया जाता है ओमान पे? ओमानी रियाल, ओके। ओमानी रियाल यूज किया जाता है ओमान पे। चलते हैं अगले की तरफ। नीति आयोग फिनटेक कॉन्क्लेव हेल्ड इन हुई सिटी? नीति आयोग फिनटेक कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? तो न्यू दिल्ली में ये आयोजित किया गया है। तो आप लोग जानते हैं नीति आयोग के बारे में, 2015 1 जनवरी को ये शुरू किया गया था, जो कि हमारे प्लानिंग कमीशन थे उसको हटाकर ये किया गया। और नीति आयोग की चेयरमैन कौन है? हमेशा नीति आयोग की चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और फिलहाल सीईओ कौन है? अमिताभ कांत
फिलहाल नीति आयोग के सीईओ हैं, वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार, मैं यहाँ लिख देता हूँ सीईओ अमिताभ कांत है, वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और डायरेक्टर कौन है, दिनेश अरोरा है डायरेक्टर, डायरेक्टर है दिनेश अरोरा, डी और डी को लेकर आप याद रख सकते हैं, दिनेश अरोरा है डायरेक्टर। चलते हैं अगले की तरफ। ए बुक नेम्ड एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियन इलेक्शन, एक किताब लिखा गया है किनके द्वारा, नवीन चावला के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियन इलेक्शन। तो नवीन चावला के द्वारा लिखा गया है, आप ये इमेज में देख सकते हैं, जो कि हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, ओके, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। चलते हैं अगले की तरफ। व्हिच एयरपोर्ट गॉट फर्स्ट रैंक इन बिजिएस्ट एयरपोर्ट रैंकिंग फॉर 2018 एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, तो ACI के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें से बताया गया है सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है दुनिया का, तो वह है हर्षफील्ड जैक्सन अटलांटा, जो कि USA में है, ओके, सबसे बेस्ट बोल एयरपोर्ट कौन सा है, तो है हर्षफील्ड जैक्सन अटलांटा, जो कि USA में है, तो ये तो पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन है, बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि चाइना में है, और तीसरे नंबर पर है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और हमारा भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 12वें नंबर पर है, आपको ये याद रखना है। 12th नंबर पर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट रैंकिंग फॉर 2018 का ये जारी किया गया है, ओके। चलते हैं अगले की तरफ। हु रिटायर आफ्टर 2020 T20 वर्ल्ड कप ए ग्रेट बॉलर ऑफ श्रीलंका, तो श्रीलंका के एक अच्छे गेंदबाज है जिनका नाम है लसित मालिंगा, तो संन्यास ले लेंगे 2020 के जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसके बाद वो संन्यास ले जाएंगे, आप ये इमेज में देख सकते हैं। हु गॉट TSJA, जिसका मतलब है तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, तो ये अवार्ड किनको मिला है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर साइना नेहवाल को मिला है, साइना नेहवाल को ये अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले की तरफ। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट बैन ओला फॉर 6 months ड्यू टू स्टार्ट ऑफ ओला बाइक टैक्सी विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने हाल ही में ओला को 6 महीने के लिए बैन कर दिया है, क्योंकि तो ओला ने राज्य सरकार की बिना अनुमति में बाइक टैक्सी शुरू कर दिया, तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया, 6 महीने के लिए ओला को बैन कर दिया। तो जब भी कर्नाटक आता है, कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलुरु, कर्नाटक की CM है एच डी कुमार स्वामी कर्नाटक की CM है, फिलहाल गवर्नर कौन है, बाजूभाई भाला, ओके, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले की तरफ। व्हिच ट्रेन इनिशिएट ए कैंपेन रिगार्डिंग एलिफेंट प्रोटेक्शन, तो हाथियों की सुरक्षा के लिए किस ट्रेन ने एक पहल शुरू किया है, तो है गतिमान एक्सप्रेस, तो अपनी जो रेलवे की पेपर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यार, ये बात आपको ध्यान रखना है, गतिमान एक्सप्रेस हाथियों की सुरक्षा के लिए एक पहल शुरू किया है, और आप लोग जानते हैं जो कि हमारी भारत के दूसरे सबसे तेज जाने वाली ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, और पहले नंबर पर कौन है, ट्रेन 18, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया, ओके, ये सारी चीज आपको पता होना जरूरी है, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले की तरफ। रिसेंटली व्हिच G7 कंट्री मेंबर साइंस ए न्यू सिल्क रोड प्रोटोकॉल विथ चाइना, तो ये जो सिल्क रोड प्रोटोकॉल है ना, वो चाइना का एक प्रोजेक्ट है, ओके, तो G7 की बात करें तो G7 में कुल कितने मेंबर है, 7 मेंबर है, इसका फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7, ओके, इसका फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7, तो एक ट्रिक आपको बता देता हूँ जिसके खातिर आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, FCGU, ये आपको याद रखना है FCGU, पहले तो हमारा है फ्रांस,
उसके बाद है कनाडा, ओके, उसके बाद है जापान, उसके बाद है इटली, जर्मनी, यूके एंड यूएसए, 7 कंट्री हुए। पहले इसमें 8 कंट्री थे, अब उसमें 7 कंट्री हैं, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, जर्मनी, यूके एंड यूएसए। तो इटली बना है, इटली ने हाल ही में हस्ताक्षर किया है चाइना के साथ सिल्क रोड प्रोटोकॉल को लेकर, ओके। चलते हैं अगले की तरफ, व्हिच टू न्यू सब्जेक्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई। तो दो नई विषय ऐड कर दिया गया है सीबीएसई में, पहला तो है योगा और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सीबीएसई के बारे में मैंने बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, सीबीएसई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पर, ओके। और सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई का फुल फॉर्म है। और फिलहाल चेयरमैन कौन है, अनीता कोल है चेयरमैन, ओके। ये सारी बात आपको ध्यान रखना है सीबीएसई के बारे में। और हाल ही में सीबीएसई के द्वारा एक नया ऐप लॉन्च किया गया था, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जिसका नाम है शिक्षा बानी, ओके। ये भी आपको याद रखना है, शिक्षा बानी एक नया ऐप लॉन्च किया गया था। हु वॉन ग्लोबल टीचर प्राइज फॉर द ईयर ऑफ 2019। तो 2019 की ग्लोबल टीचर प्राइज किसको मिला है, तो उनका नाम है पीटर ताबिज, जो कि केन्या के तरफ से है, केन्या देश को ये बिलोंग करते हैं। तो पीटर ताबिज जी को इस साल का ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है। तो उन्होंने क्या क्या ऐसा जो उनको ग्लोबल टीचर प्राइज मिला, तो जो अपनी 80% मंथली इनकम वो गरीबों में डोनेट कर देते हैं। व्हिच पीएसयू मेड स्मार्ट गार्बेज बिन। तो सेल के द्वारा एक नया स्मार्ट गार्बेज बिन, जिसका अर्थ है कचरा डिब्बा, स्मार्ट कचरा डिब्बा शुरू किया गया है, जिससे क्या फायदा होगा। तो आप जानते हैं जब भी हमारे जो कचरा डिब्बा भर जाएगा, एक सिग्नल जाएगा म्युनिसिपैलिटी को, म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन को एक सिग्नल जाएगा, वो क्या करेंगे, फटाफट से एक गाड़ी भेजकर वो कचरा और जो भी कूड़ा होगा वो लेकर जाएंगे, ओके। और आप लोग जानते हैं सेल की फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मित्र शक्ति 6 ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन व्हिच टू कंट्री। मैंने बहुत बार बोल चुका हूं यार, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये हो रहा है मित्र शक्ति 6, जो कि एक सैन्य युद्धाभ्यास है। तो भारत की तरफ से बिहार रेजिमेंट की जो आर्मी है और श्रीलंका की तरफ से जेमुनु बेटालियन, ये भी आपको याद रखना है, जेमुनु बेटालियन और बिहार रेजिमेंट के बीच में ये सैन्य युद्धाभ्यास हो रहा है। चलते हैं अगले की तरफ, चाको प्रकल थॉमस एज MD एंड CEO ऑफ हुज कंपनी। तो टाटा कॉफी के बनाए गए हैं नए CEO और MD, किनको, चाको प्रकाल थमास को बनाया गया है। व्हिच एडमिनिस्ट्रेटर्स ओथ टू इंडियाज फर्स्ट लोकपाल। तो आप लोग जानते हैं हाल ही में हमारी लोकपाल नियुक्त हुए, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दिलाया गया है, ओके। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और हमारी लोकपाल कौन बने यार, पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष बने हैं हमारी भारत के प्रथम लोकपाल। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, अम्ब्यूर्समैन बोलते हैं, अम्ब्यूर्समैन बोलते हैं लोकपाल को इंग्लिश में, ओके। और जानते हो आप, बहुत संघर्ष के बाद, बहुत सालों के बाद भारत को अपना पहला लोकपाल मिला है, जो कि एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करेगा। व्हाट इज चिनुक। तो चिनुक क्या है, एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, ओके। एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, आप ये देख सकते हैं इमेज में, जो कि बोइंग कंपनी ने बनाया है, यूएसए की बोइंग कंपनी ने बनाया है। हाल ही में भारत को 4 हेलीकॉप्टर दिलाए है, पहला जो 4 हेलीकॉप्टर भारत को मिला है
और आप ये देख सकते हैं जो कि 24x7 काम करेगा, ऑल वेदर में काम करेगा, बहुत ही अच्छी फीचर है और कुल 11 टन ये कैरी कर सकता है। ओके 11 टन ये लिफ्ट कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग जानते हैं जो टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन है उसको इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से उड़ाया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ओके चलते हैं अगले की तरफ। इन व्हिच कंट्री वर्ल्ड फर्स्ट वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन गोइंग टू बी एस्टेब्लिश। तो नॉर्वे में ये शुरू किया गया है जो कि वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग सेंटर है। आप ये देख सकते हैं इमेज में, एक इंडक्शन होगा जिसके ऊपर कार आकर खड़ा होगा तो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा। तो जब भी नॉर्वे आता है, नॉर्वे में ये शुरू किया गया है ना, तो नॉर्वे आता है, नॉर्वे की कैपिटल क्या है, असलो है नॉर्वे की कैपिटल, और क्रोन यूज किया जाता है उसकी करेंसी। चलते हैं अगले की तरफ। एमीसेट एंड 28 नैनो सेटेलाइट बाय इसरो ऑन व्हिच लॉन्च व्हीकल। तो जो एमीसेट और 28 नैनो सेटेलाइट इसरो के माध्यम से लॉन्च किया गया, किस व्हीकल के माध्यम से, PSLV C-45 जिसका फुल फॉर्म है पोलार सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-45 के माध्यम से लॉन्च किया गया है। जो हमारे एमीसेट है वो हमारे जो आर्मी लोगों को मदद करेगा, आर्मी लोगों को मदद करेगा एमीसेटेलाइट। और इसरो के बारे में बोल देता हूँ, इसरो 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु पे है, विक्रम अम्बला साराभाई के द्वारा ये शुरू किया गया था, फिलहाल चेयरमैन है के सिवन। और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी बात आपको इसरो के बारे में पता आना जरूरी है। चलते हैं अगले की तरफ। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा एक सूची जारी किया गया है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर एक सूची जारी किया गया है, तो इसमें भारत का रैंक पूछा गया है, भारत का रैंक है 76। तो कुल 115 देश है उसका, उसमें से भारत का रैंक है 76 और टॉप किसने किया है, स्वीडन ने टॉप किया है। ओके तो ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, जो हमारी एनर्जी है सोलर एनर्जी है और बाकी सारी एनर्जी है उसको बैलेंस कैसे रखे और एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे बने, इसके बारे में ये लोगों में जागरूक फैलाता है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सवाल पूछा था गवर्नर ऑफ बिहार, तो बिहार के राज्यपाल के विषय में मैंने आपको पूछा था, तो लालाजी टंडन उसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड टीबी डे। तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और यार अपने दोस्तों को शेयर कर लिया करो और एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोशिश करो यार। थैंक यू।